साथियों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, आइए हमारी जो सीरीज चली हुई है दिल्ली पुलिस से संबंधित, हमारा जो सपना है अब की बार दिल्ली पुलिस पार। साथियों, हम आपसे वादा करते हैं जितनी भी वीडियो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाएं रीजनिंग से संबंधित, आप उन प्रत्येक वीडियो को ईमानदारी के साथ लगाना। रीजनिंग से संबंधित आपका सिंगल क्वेश्चन यहाँ से नहीं कटने वाला है, ठीक है? तो आइए, आज की हमारी जो क्लास चली हुई है टॉपिक वाइज, टॉपिक हमारा रहेगा डाइस से संबंधित। साथियों, इसकी एक वीडियो हम डाल चुके हैं, इससे पिछली वीडियो, जिसमें हमने इसका जो बेसिक रूल है, सभी प्रकार के रूल हम पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आइए, आज हमारी जो बची हुई टाइप है इन्हें हम डिस्कस करते हैं। साथियों, हमारी जो नेक्स्ट टाइप रहेंगी ओपन डाइस से संबंधित। ओपन डाइस में क्या होगा साथियों, टोटल स्तर हमारी छह होती हैं, छह की छह हमें दिखाई देंगी, ठीक है? पिछली टाइप कौन सी थी हमारी, क्लोज डाइस, जिसमें हम कह सकते हैं बंधा हुआ पासा या बंद पासा, जिसमें हमें टोटल छह सतह में कितनी स्तर दिखाई देंगी, तीन। तीन हमारी छिपी हुई होती है, ठीक है? लेकिन आज हमारे पास जो सतह देख पा रहे कितनी स्तर साथियों, टोटल छह। ये जो आयत या वर्ग टाइप के जो फिगर देख रहे हैं, जो बॉक्स देख रहे हैं, इस एक बॉक्स का मतलब हमारी एक सतह रहेगी। तो इस प्रकार से एक दो तीन चार पांच और छह, टोटल फेस कितने हो गए हमारे यहाँ पे छह। इसका मतलब ये हमारी कौन सी डाइस मानी जाएगी, ओपन। और साथियों, ओपन डाइस सबसे आसान होती है, डाइस के अंदर सबसे इजी। आपको करना क्या है, सिंपली जो सबसे लंबी लाइन हो वो वर्टिकल भी हो सकती है, इस प्रकार से हॉरिजेंटल भी हो सकती है, किसी भी प्रकार से। बस आपको सबसे पहले जो लंबी लाइन है उस पे काम करना है, ठीक है? जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिजिट इसमें कुछ भी हो सकती है, नंबर हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकते हैं, कलर हो सकते हैं, संकेत निशान चिन्ह, यानी दुनिया की कोई भी चीज हो सकती है, आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। आपको करना यह है साथियों, यहाँ पे देखिए सबसे लंबी लाइन हमारे पास ये, तो इसमें क्या करना है आपको, हमेशा एक छोड़ एक, यानी एक बॉक्स को छोड़ के जो भी अगला बॉक्स होगा ना, उसमें जो भी डिजिट जो भी वैल्यू है वो एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। जैसे हम पूछ ले आपसे, भाई चार के अपोजिट बताएं, तो चार के अपोजिट क्या होगा साथियों, एक बॉक्स को आप छोड़ दीजिए, चार के बाद इस एक को छोड़ देंगे तो अगले बॉक्स में जो भी नंबर है ये क्या होगा साथियों, इसका अपोजिट, ठीक है? इसके बाद जो हमारी अगली वैल्यू है इसमें भी सेम आपको प्रोसेसिंग करना है, मतलब एक का अपोजिट क्या होगा, इस पांच को छोड़ देंगे, क्या होगा साथियों यहाँ पे दो, ठीक है? इसके बाद हमारे पास दो वैल्यू बचेंगी दायां साइड और बाएं साइड में, यानी जहां पर भी बचे वो एक दूसरे के क्या होंगे साथियों, अपोजिट। जैसे फर्स्ट में यहाँ पे क्या है छह और यहाँ पे क्या है तीन, तो यहाँ पे छह के अपोजिट कितने हो जाएंगे, तीन। उम्मीद करते हैं इसका जो रूल है, जो इसकी ट्रिक है, वो आपकी क्लियर है। लंबी लाइन उठाएंगे, जो भी जहां पर भी लंबी लाइन मिले एक बॉक्स छोड़ एक आपको अपोजिट करना है। जैसे ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में वैल्यू क्या है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पे देखिए चार आपका भाग है, एक दो तीन चार, और यहां से इस प्रकार से एक दो तीन, तो ये भाग ज्यादा है तो यहां से निकालिए, ए का अपोजिट एक छोड़ चलिए, कौन सा हो जाएगा डी, एफ का अपोजिट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बी, लास्ट में दो वैल्यू बचेंगे साथियों वो एक दूसरे के अपोजिट ही बचेंगे, तो यहाँ पे क्या बचे हैं साथियों, सी और ई। इसको यहां से इस प्रकार भी कर सकते हैं, एक छोड़ एक, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे ई, ठीक है? उम्मीद करते हैं दोनों टाइप आपके क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर तीन को ध्यान से देखें, इसमें साथियों दोनों ही जो वैल्यू है ये क्या है आपके, इक्वल है, बराबर है, यानी इसमें भी तीन बॉक्स हैं और इसमें भी तीन बॉक्स, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे आप इस बॉक्स से क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिए, चाहे इससे, जिससे भी करेंगे आंसर दोनों से सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम फर्स्ट से करें तो एग्जाम पूछेगा लाल के अपोजिट बताएं, तो लाल के अपोजिट क्या होगा साथियों, एक छोड़ एक, यानी हरा, ठीक है? अब काला के नीचे कोई लाइन है नहीं, इसको छोड़ देंगे, अगले बॉक्स में आएंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे नीले के अपोजिट क्या होगा साथियों, सफेद। नीले के अपोजिट क्या है, सफेद। फिर से दोनों में हमारे पास एक एक वैल्यू बचेगी, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे काला है यहाँ पे पीला, तो काला के अपोजिट क्या होगा साथियों, पीला, ठीक है? यानी लंबी लाइन मिले तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर लंबी लाइन भी ना हो दोनों इक्वल मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं है साथियों। चाहे आप इससे निकालें चाहे इससे निकालें, काम हमें सेम करना है, एक छोड़ एक, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चार को ध्यान से देखें साथियों, तीन वैल्यू हमारी यहाँ पे है, एक वैल्यू यहाँ पे है और दो वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होने वाली है, लेकिन वो दिक्कत भी हमें ज्यादा परेशानी में नहीं डालने वाली। आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे देखना है दो वैल्यू या तो आपकी बॉटम में मिलेंगी,
नीचे ऐड मिलेंगी, ये जो तीन बॉक्स देख रहे हैं ना जस्ट इसके नीचे ऐड मिलेंगी, ठीक है। या ये दो वैल्यू आपको यहाँ पे टॉप में ऐड मिल सकती हैं। मैंने क्या बताया, दोबारा सुन लीजिए साथियों, ये दो बॉक्स आपके जो मिलेंगे ना, दो फिगर आपके, दो सतह या तो तीन के बॉटम में मिलेंगी या तीन के टॉप में मिलेंगी। तो आपको सिंपली क्या करना है साथियों, जो हमारे पास यहाँ पे एक सतह हमें दिखाई देगी, सिंपली इसको यहां से आपको डिलीट करना है, हटाना इसको, ठीक है। और इसको हटा के अगर दो बॉक्स हमारे नीचे है तो सिंपली इस बॉक्स को हमें नीचे कनेक्ट करना है, अगर ये दो बॉक्स हमारे टॉप में है तो इस बॉक्स को हमें टॉप में ही कनेक्ट करना है, ठीक है। इतना सा काम करना है। और इसमें जो भी वैल्यू है, वैल्यू क्या है साथियों, इसमें डिवाइड, तो इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। मतलब ये जो हमारी टाइप है ना, ये तीन नंबर ही टाइप बनने वाली है। इसमें भी देखो सेम तीन तीन वैल्यू है, तो इसमें भी कितनी है, सेम तीन तीन। अब उसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, जैसे डॉलर के अपोजिट क्या होगा साथियों, यहाँ पे प्लस। अब एट द रेट के नीचे लाइन नहीं है, इसमें आ जाइए। हैच के अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे डिवाइड आपका। और लास्ट में दो वैल्यू बचेंगे एक दूसरे के अपोजिट, यहाँ पे एट द रेट, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो एट द रेट के अपोजिट कौन सा हो जाएगा साथियों, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी का जो डाटा है साथियों वो क्लियर है। ओपन डाइस में हमें किस प्रकार से करना है, बिल्कुल ही सिंपल है, एक छोड़ एक हमें क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व आउट करना है, ठीक है। चलिए इससे अगली जो हमारी टाइप है वो हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए साथियों, इससे अगली हमारी जो टाइप है आप सभी के सामने, यहाँ पे आपको दो डाइस दी गई है, ये हमारी प्रथम डाइस है, ये हमारी सेकंड डाइस है। इसमें ध्यान से देखिए साथियों, फर्स्ट में के टी जेड, अगले में एन के पी। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है के अपोजिट, जेड के अपोजिट, टी के अपोजिट, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा मिलेगा निमन डाइस या निमन पासे के अंदर के अपोजिट, जेड के अपोजिट या टी के अपोजिट कौन सी वैल्यू होगी। तो सिंपल सा रूल है, हमने पिछली वीडियो में सभी प्रकार का डाटा आपका क्लियर कर रखा है साथियों। हमारी जो टोटल स्तर होती है वो कितनी होती है, हमने पीछे ही क्लियर किया है, छह। डाइस में कितनी स्तर होती है, छह होती है। तो नॉर्मली हम अंक भी कितने यूज करते हैं इसमें, 1, 2, 6, एक से लेकर छह तक। तो अल्फाबेट के नंबर भी हम कितने यूज कर सकते हैं साथियों, ए से लेकर एफ तक, यानी छह अक्षर ही यूज कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पीछे ही बताया था साथियों, अगर ज्यादा नंबर भी आ जाए तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, सेम पीछे वाले रूल ही फॉलो करने। कितनी डिजिट कॉमन है, एक डिजिट कॉमन है, दो डिजिट कॉमन है या समान सतह पर है। तो साथियों हमने इसलिए आपको कहा है, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो आप जरूर चेक कीजिए, ताकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, ठीक है। जैसे ध्यान से देखें, इन दोनों डाइस में कौन सी डिजिट हमारी कॉमन है, के इसमें है, के इसमें है, यानी एक डिजिट कॉमन है। जेड इसमें, इसमें बिल्कुल नहीं, इसमें टी, इसमें बिल्कुल नहीं, यानी कितनी डिजिट कॉमन है साथियों, वन। और जो हमारे पास एक डिजिट कॉमन है, ये क्या है, अलग अलग फेस पे है, यानी ये टॉप में है और ये कहां पे है, फ्रंट में, बिल्कुल सामने। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, सबसे पहली डाइस में जो भी कॉमन है हम उसको यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद हमें क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की सुई की दिशा में, यानी दक्षिणावर्त। जैसे के बाद क्या है इसमें, जड़, आप इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए। जड़ के बाद क्या है इसमें, टी, बस। सेकंड डाइस में जाइए, जो भी हमारे पास कॉमन वैल्यू है बस कॉमन के नीचे आपको नोट डाउन करना है। और तुरंत इसके बाद भी हमें क्लॉकवाइज ही रोटेट करना है, के बाद एन और एन के बाद यहाँ पे पी, ठीक है। इस प्रकार से वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो ऊपर नीचे वैल्यू आएंगी साथियों, एक दूसरे के अपोजिट आने वाली है, जैसे टी के अपोजिट यहाँ पे क्या है, P, तो P के अपोजिट T, जड़ के अपोजिट क्या है साथियों, N, तो N के अपोजिट जड़। अब साथियों के अपोजिट आपसे पूछा जा सकता है, तो कोई भी नंबर स्वयं के अपोजिट तो हो नहीं सकता, हम सभी को क्लियर है, ठीक है। तो देखो A से अगर अब तक की बात हो, यानी छह नंबर हो हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो मिसिंग है उसको हम टिक करते हैं। अल्फाबेट में इसी प्रकार से कोई मिसिंग नंबर हो A से अब तक, तो जो मिसिंग अक्षर है A से अब तक हम उसको टिक कर सकते हैं। इन साथियों यहाँ पे तो एफ से ज्यादा वैल्यू दी गई है, तो ध्यान रखना विदाउट ऑप्शन यहाँ पे आंसर नहीं बता सकते के अपोजिट कौन सा अक्षर हो सकता है, ठीक है। बचे हुए सभी अक्षर हो सकते हैं, लेकिन हम विदाउट ऑप्शन अभी इसमें नहीं बता सकते। आप कह दे सर ऑप्शन किस प्रकार से आ सकते हैं, तो ध्यान से समझिए साथियों, तीन तो ऑप्शन इनमें से हमें मिलेंगे। तीन तो कहां से मिलेंगे, जो हमें क्वेश्चन में लेटर दिए गए वही लेटर मिलेंगे। जैसे हम लिख दें यहाँ पे, ए में मान लीजिए आपके पास जेड है, बी में मान लीजिए आपके पास टी है, सी में मान लीजिए आपके पास एन है, और डी में साथियों इनके अलावा कुछ भी डाल दिया जाए। जैसे हमने मान लो यहाँ पे डी में डाल दिया जे, डी में क्या डाल दिया साथियों, जे। जे क्या इनमें दिखाई दे रहा आपको, बिल्कुल नहीं। तो बस हमें करना क्या है, जो इनसे अलग है उसी को हमें टिक करना है, ठीक है। यानी इनमें से जो मिलेंगे वो हमारे आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकते,
ठीक है, इनके अलावा जो भी हमें अक्षर दिखाई दे वही इस क्वेश्चन का क्या होगा फाइनल आंसर, कौन से अक्षर का जो हमारे पास कॉमन है। उम्मीद करते हैं आपका जो डाटा है यहां तक क्लियर है। अगर अलग भी मिले और हमने बता रखा, जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन और दे दिया जाए आपके पास नन ऑफ दीज, तो हमें किसको टिक करना है यहाँ पे नन ऑफ दीज को। काफी स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, अलग पे टिक करेंगे, अलग पे अब टिक नहीं करना है साथियों। अब हम किसके साथ जाना पसंद करेंगे, नन ऑफ दीज के साथ। क्यों? क्योंकि साथियों अगर आपने जे पे टिक किया तो आप तो यहाँ पे 100% क्लियर हो जाएंगे। आप 100% क्लियर हैं, के अपोजिट जे ही होगा, जरूरी नहीं है हम यहाँ पे आई को रख दें, यहाँ पे हम एक्स को रख दें, वी को रख सकते हैं, यू को रख सकते हैं, मतलब इनमें जो नहीं है इनके अलावा सभी हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपको सर पीछे आपने किस प्रकार से बताया, तो पीछे मेरे साथियों हमने इस प्रकार से बताया, हमारे पास ऑप्शन ही चार थे और फर्स्ट के तीन इनमें से लिए गए, तो जो इनमें से लिए गए वो तो 100% ही गलत है। तो बचा हमारे पास ऑप्शन कितना, एक। एक अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100, 100%, तो उसको हमें टिक करना ही है। लेकिन अगर हमारे पास अलग भी है नन ऑफ दीज, तो हमें अलग पे टिक नहीं करना है, ध्यान से समझ लेना, हमें नन ऑफ दीज पे ही टिक करना है, ठीक है ना। काफी स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, टाइप तो उनकी क्लियर है लेकिन ऑप्शन में एग्जाम हल्का सा चेंजमेंट करेगा, हल्का सा बदलाव करेगा और हम वही क्या करते हैं दिक्कत में आ जाते हैं, कब, जब हमारा बेस क्लियर नहीं है। इसलिए साथियों मैं आपको विद ऑप्शन हर चीज बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, हम उसका रिप्लाई आपको 100% देंगे, या उस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में फिर से शामिल करके आपको जरूर से जरूर बताने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इसमें देखिए कितनी डिजिट कॉमन है साथियों, एस यहां पे है सेकंड में भी है, वाई यहां पे है सेकंड में भी है, मतलब कितनी डिजिट कॉमन है साथियों, दो डिजिट, तो ये तो और भी आसान हो गया, बस इन दोनों डिजिट को हमें क्वेश्चन में से क्या करना है, डिलीट कर देना, हटा देना है, ठीक है। इसके बाद दोनों में जो वैल्यू है एक दूसरे के अपोजिट ही बचेगी, फर्स्ट में क्या है डी, सेकंड में क्या है जेड, तो डी के अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों यहां पे जेड। उम्मीद करते हैं आप सभी का जो डाटा है वो अच्छे से क्लियर है, यानी 6 नंबर से भी ज्यादा है, एप से भी ज्यादा है, तो भी हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर नंबर भी दिए जाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें कुछ नंबर दे दिए जाएं, इनके स्थान पे, किनके स्थान पे, अल्फाबेट के स्थान पे, जैसे मान लीजिए ऊपर हमें दे दिया गया कुछ भी नंबर रख सकते हो, 94, 104, यहाँ पे 97, ऊपर यहाँ पे 97 दे दिया जाए आपको, यहाँ पे मान लीजिए आपके दे दिए 94 और यहाँ पे दे दिया जाए आपको मान लीजिए 91, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा जाए बताएं आप 104 के अपोजिट क्या होगा, किसके अपोजिट पूछा है साथियों, 104 के अपोजिट, तो सेम ही प्रोसेस है। अब देखिए एक से ज्यादा नंबर हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस इनमें ये देखिए कितनी डिजिट कॉमन है, तो 97 इसमें है सेकंड में भी है, 94 इसमें है इसमें भी है, यानी कितनी डिजिट कॉमन है, दो, तो सिंपली बस हमें इनको क्या करना है साथियों यहां से डिलीट करना है, दोनों में जो बचेंगे वही नंबर एक दूसरे के अपोजिट, यहां पे 104 है यहां पे 91 है, तो 104 का अपोजिट कितना हो जाएगा साथियों 91 नंबर, और 91 का पूछा जाए तो 104। कहने का मतलब हमारा आप समझ पा रहे हैं, अगर हमारे पास नंबर दिए जाएं या एक से ज्यादा हमें वैल्यू दी जाए तो हमें टेंशन नहीं लेनी, जो रूल हमने पीछे बेसिक क्लास में आपसे क्लियर किए सेम वही के वही रूल आपको इनमें लागू करने, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक कि जो आपके डाटा है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलिए इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो किस प्रकार से, उनको भी आप ध्यान से देखिए। चलिए साथियों इससे अगली हमारी जो टाइप है कुछ इस प्रकार से आपको दी जाएगी, ठीक है। इसमें आपको पूछा जाए कौन सा अक्षर किसके अपोजिट है, तो आपने अभी हमने डिस्कस किया ओपन डाइस में, ओपन डाइस में कितनी स्टेप दिखाई देंगे, 6, लेकिन आप यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए यहाँ पे 6 से ज्यादा दिखाई दे रही है, 4 तो हमारे पास ये है 1, 2, 3, 4 और 4 हमारे पास ये छोटी स्टेप दी गई है। तो साथियों कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर 6 से ज्यादा दिखाई दे तो वो क्या होगा आपका, क्वेश्चन तो ओपन डाइस का रहेगा लेकिन ओपन डाइस के साथ क्या है साथियों कटिंग के क्वेश्चन उसमें शामिल हो जाते हैं, मतलब एग्जाम क्या कर सकता है एक डाइस के अंदर एक सतह के टुकड़े कर सकता है। जैसे आप कहोगे सर किस प्रकार से, तो इसमें ध्यान दीजिए काफी स्टूडेंट गलती ये करेंगे साथ ही उसमें बी के अपोजिट ई लिख देंगे, जी के अपोजिट सी कर देंगे, कोई आपका बी जी कर रहा है, कोई सी ई, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, सेम ही रूल करना है। अभी ओपन डाइस का रूल हमारा क्या है, एक छोड़ एक, तो वही आप रूल इसमें अप्लाई कीजिए। जैसे अगर हम बात करें डी के अपोजिट क्या है इसमें, तो डी का आप इजीली बता सकते हैं सर डी का अपोजिट रहेगा एक छोड़ एक यानी एच, ठीक है, सभी का सही मिलेगा। इसके बाद फिर से एक छोड़ एक, एप का अपोजिट क्या है इसमें आपका ए, ये भी सभी का ठीक है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट गलती कहां पे करेंगे, अब जो बचे हुए लेटर है इसमें,
इससे पहले जो हमने क्वेश्चन ओपन के किए उसमें तो क्या था साथियों, दोनों साइड में एक एक डिजिट बचेगी, बचे हुए एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन अब तो कितनी डिजिट हमारे पास, दोनों साइड में दो दो डिजिट है। तो आप लोग क्या करेंगे, काफी स्टूडेंट यहाँ पे बी का अपोजिट सी लिख देंगे, जी का ई लिख देंगे, या बी का ई लिखेंगे जी का सी लिखेंगे, इस प्रकार से कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन साथियों आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपकी स्तर ज्यादा हो जाएंगी। टोटल स्तर हमारी कितनी होती है, छह, चार हमारे पास आ चुके हैं। डी का अपोजिट एच तो दोस्त हमारे पास ही हो गई, एफ का अपोजिट है दो हमारे पास ही, चार तो हमारी पास पहले से क्लियर है। अब अगर आप बी का अपोजिट ई लिखेंगे दो ये हो जाएंगे, जी का सी लिखेंगे दो ये, यानी चार और कर लेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएंगे, आठ, और सतह हमारी है कितनी, छह। तो हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना साथियों। ध्यान से देखें, ये हमारी जो सतह है ना साथियों, यहाँ पे इतनी दिखाई दे रही होगी आपको, देखो यहाँ पे इतनी एक पूरी सतह है, लेकिन यहाँ पे इनकी कटिंग की गई है, ये कंप्लीट सतह है, इसका आधा हिस्सा है। इसी प्रकार ये कंप्लीट है, इसका आधा हिस्सा, यहाँ पर भी आधा हिस्सा, यहाँ पर भी, यानी एक सतह के यहाँ पे टुकड़े किए गए। तो प्यारे साथियों आपको ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, एक साइड में एक से ज्यादा अगर वैल्यू दिखाई दे तो सिंपली क्या करना, उनको आपको एक ही साइड में ऐड करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, बाएं साइड में बी और जी, तो इनको यहाँ पे एक साइड में इस प्रकार से ऐड कीजिए, बी प्लस जी, ये हमारे पास एक सतह में आपको कन्वर्ट करना, बदलना है, ठीक है। इसके अपोजिट क्या रहेगा साथियों, जो भी हमारे पास सेकंड साइड में वैल्यू दी गई है उन दोनों को ऐड कीजिए, सी और ई, तो बराबर में क्या हो जाएगा, सी प्लस हमारे पास ई, ये हमारी क्या हो जाएगी साथियों, यहाँ पे सेकंड सतह, ठीक है। तो इसमें अगर पूछा जाएगा बी प्लस जी के अपोजिट बताएं तो कौन सा रहेगा हमारे पास, सी प्लस ई। तो कटिंग में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, एक से ज्यादा बचे, बस सिंपली आपके पास जो भी एक साइड में नंबर है उनको आप एक साइड में ऐड करेंगे और इस प्रकार से उनको लिख देंगे, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। उम्मीद करते हैं ये कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए साथियों इससे अगली हमारी जो टाइप है, ध्यान से देखिए, टाइप नंबर हमारे पास फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, दो हमारी टाइप है। इसमें क्या लिखा मिलेगा उसको आपको समझना है। आपके पास देखिए यहाँ पे दो डाइस दी गई, नंबर एक और नंबर दो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दो डाइस दी गई है, तो आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा आपकी ये कौन सी डाइस हो गई, आपकी बंधा हुआ पास है, क्लोज पास है, ठीक है। एग्जाम कह देगा क्लोज पासे को आपको ओपन डाइस में कन्वर्ट करना है, बदलना है। कहने का मतलब ये साथियों, आपके पास अगर यहाँ पे क्लोज पासा दिया जाए, इस प्रकार की डाइस दी जाए, अगर इन्हें ओपन करेंगे तो इन दोनों में से कौन सी डाइस बन सकती है। एग्जाम में चार ऑप्शन मिलेंगे, हमने अभी आपके पास दो यूज किए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे आपके पास ओपन डाइस दी गई है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, बदलना है, किसमें साथियों, यहाँ पे ए और बी दो ऑप्शन दिए गए, ओपन डाइस को आपको किसमें बदलना है, क्लोज डाइस में। तो बहुत ही आसान है, सेम जो हमने पीछे रूल किए वही रूल आप लगाएंगे और क्वेश्चन बना लेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो इन दोनों में आपको अपोजिट निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको भी सर किस प्रकार से, तो ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या समानता है, टॉप में एक नंबर है और सेकंड में भी टॉप में क्या है, एक, यानी कितनी डिजिट कॉमन है, एक डिजिट कॉमन है। तो हमारे पास अगर एक डिजिट कॉमन है तो उसको हम किस प्रकार से सोल्व आउट करते हैं साथियों, अगर हम इसे क्लॉकवाइज करेंगे तब भी आंसर वही है, और अगर समान सतह पे एक डिजिट है तो हम क्या करेंगे साथियों, समान सतह वाले ही एक दूसरे के अपोजिट कर देंगे। जैसे जैसे इसमें फर्स्ट में देखिए कितना नंबर है, पांच, और इसमें कितना है, छह, इसका मतलब पांच के अपोजिट कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पे छह नंबर। आप क्लॉकवाइज करेंगे तब भी यही नंबर निकलेंगे, आप निकाल सकते हो, पिछली वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस किया था। इसके बाद यहाँ पे दाई साइड में देखिए दो नंबर है और सेकंड में कितना है, तीन, इसका मतलब दो का अपोजिट कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पे तीन। टॉप में देखिए एक है और सेकंड में भी टॉप में क्या है, एक, तो एक के एक तो हो नहीं सकता, यानी स्वयं के स्वयं तो नंबर नहीं मिलेगा, तो एक से छह तक कौन सा मिसिंग नंबर है, वही नंबर क्या होगा, कॉमन के अपोजिट। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एक भी शामिल है, दो भी शामिल है, तीन भी शामिल है, पांच, छह, कौन सा मिसिंग है, चार नंबर। तो एक का अपोजिट कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे चार नंबर। सबसे पहले क्रिया आपको ये करनी है, ठीक है, अपोजिट आप निकाल सकते हैं। अब आपको करना क्या है साथियों, इस क्लोज पासे को ओपन डाइस में कन्वर्ट करना है। तो ओपन डाइस के रूल क्या है आपको क्लियर है, अपोजिट आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं अभी हमने डिस्कस किया है इसी वीडियो में, एक छोड़ एक, ठीक है ना, एक बॉक्स को छोड़ के जो भी हमारा नेक्स्ट बॉक्स में नंबर होगा वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। तो अपोजिट हमारे पास यहाँ पे दिए गए, दो का अपोजिट, दो का अपोजिट कौन है इसमें, तीन, पांच के छह, एक का चार। तो यहाँ पे जो अपोजिट नंबर मिलेंगे ना वो इसमें सही जगह पे मिलने चाहिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आपको सर किस प्रकार से, ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट बॉक्स में, फर्स्ट बॉक्स में जो भी नंबर होगा साथियों इसका अपोजिट कहां पे मिलना जरूरी है, 100% एक बॉक्स छोड़ के अगले बॉक्स में आना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए एक का अपोजिट यहाँ पे तो क्या है,
पांच, एक का अपोजिट यहां पे क्या निकल के आया साथियों, पांच, और हमारे पास एक का अपोजिट क्या है, चार। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी क्या है, गलत। मतलब अगर यहाँ पे एक है तो 100% यहाँ पे कितने नंबर आने चाहिए साथियों, चार नंबर आने चाहिए, तभी ये नंबर आपका आगे हम चेक कर सकते थे, ठीक है। तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया यहाँ पे गलत। इस प्रकार से हम सेकंड को चेक करेंगे, जैसे टॉप में क्या है यहाँ पे पांच, तो पांच का अपोजिट क्या होगा साथियों, एक छोड़ एक, तो पांच का अपोजिट यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, पांच का अपोजिट हमारे पास है छह, देख पा रहे हैं, एक छोड़ एक, तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई इनमें देखिए पांच का अपोजिट छह है या नहीं, अगर है तो आगे चेक करेंगे, नहीं तो ये ऑप्शन भी गलत। तो यहाँ पे देखिए पांच का अपोजिट क्या है, छह, मतलब यहां तक सीरीज हमारी ठीक है, आगे चेक कीजिए। फिर दो का अपोजिट क्या होगा साथियों, एक छोड़ एक, यानी दो का अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन हमारे पास। तो आप क्वेश्चन में देखिए दो का अपोजिट क्या है हमारे पास, क्लोज पास में दो का तीन है, इसका मतलब ये भी ठीक है। तो बचे हुए दो नंबर देखने का हो सकता नहीं, क्योंकि वो तो एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे। तो यहाँ पे एक है और यहाँ पे क्या है, चार, मतलब एक का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, चार। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं एक का अपोजिट क्या है, चार। उम्मीद करते हैं साथियों आपका जो डाटा है वो क्लियर हो चुका है। मतलब इस क्लोज पासे को अगर ओपन करेंगे तो कौन सी डाइस हमारी बन सकती है, सेकेंड ऑप्शन में जो वैल्यू दी गई है, ठीक है। इसी प्रकार हमें इसको रिवर्स करना है, रिवर्स मतलब हमें ओपन डाइस दी गई है और इसको बदलना किस में है, क्लोज में। तो सेम ही रूल है, पहले तो आप इनके अपोजिट निकाल लीजिए। अपोजिट कैसे, अभी हमने कहा एक छोड़ एक, जैसे बी का अपोजिट क्या है इसमें, आपको क्लियर है ए, ठीक है। इसी प्रकार से एक छोड़ एक, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ई, और लास्ट कौन बच गया एफ, और यहाँ पे सी, एफ और यहाँ पे सी, ये एक दूसरे के अपोजिट हमें मिल चुके हैं। अब ए बी में हमें क्या करना है, ऑप्शन जो दिए गए हैं साथियों, बस हमें ये क्लियर करना है बी का अपोजिट ए, डी का अपोजिट ई, एफ का अपोजिट सी होना जरूरी है, ठीक है। तो हमें एक बात तो क्लियर है, इसमें तो ओपन में तो कितनी सतह दिखाई देंगी, छह, लेकिन क्लोज में कितनी दिखाई देंगी साथियों, तीन। तो कहने का हमारा मतलब ये है जो एक दूसरे के अपोजिट है वो आपको एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए। जैसे अगर एक पासे में बी दिखाई देगा ना आपको, तो क्या नहीं दिखाई देना चाहिए आपको, ए। अगर ए दिखाई दे तो बी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों में एक ही तो आ सकता है आपको। सर कैसे, मान लीजिए अगर टॉप में बी है तो इसकी तली में क्या मिलेगा साथियों, ए। क्यों, क्योंकि बी के अपोजिट ए होता है, मतलब इसमें दिखाया गया देखो बी का अपोजिट ए, तो एक ही तो नंबर हम देख सकते हैं, एक तो हमारा छिपा हुआ होगा क्लोज डाइस में। तो कहने का मतलब दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा, कोई भी चलेगा, ये जरूरी नहीं बी आना जरूरी है ए आना, कोई से भी आ सकता है। इसी प्रकार से डी ई में एक नंबर आना चाहिए, एफ सी में एक नंबर, जो एक दूसरे के अपोजिट है ना वो एक साथ नहीं आने चाहिए। तो चेक कीजिए, जैसे टॉप में क्या है बी, तो बी का यहाँ पे अपोजिट क्या है ए, बस यहाँ पे इन दोनों में बची हुई सतह में ए नहीं आना चाहिए। देखिए आप बी डी है सी है, ए नहीं है, इसका मतलब काम चल जाएगा। सेकंड नंबर हमारे पास डी है, डी का अपोजिट क्या है ई, इन तीनों अक्षरों में कहीं पर ई शामिल है नहीं, तो ये भी चल जाएगा, क्योंकि डी अगर सामने है तो पीछे अपोजिट क्या है इसका, ई अक्षर मिल जाएगा हमें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सी, सी का अपोजिट क्या है एफ, तो देखिए सी अगर दाया है तो बाएं साइड में क्या हो जाएगा एफ आपका, मतलब तीनों लेटर हमारे अलग अलग है, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। मतलब इस ओपन डाइस को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, क्लोज में, तो कौन सा बन सकता है हमारा, ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा, ठीक है। सेकंड आप चेक कर सकते बनेगा कि नहीं, जैसे देखिए टॉप में क्या है डी, बस इन दोनों नंबर में डी का अपोजिट नहीं आना चाहिए। तो चेक कीजिए डी का अपोजिट हमारे पास क्या है, रियल, डी का अपोजिट तो ई है, देखिए कहीं पर ई शामिल है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सामने देखिए डी का अपोजिट ही लिख रखा है। जब दोस्तों डी हमें दिखाई दे रहा तो ई तो हमें कभी दिखाई नहीं दे सकता हो क्लोज पासे में, क्यों, क्योंकि डी अगर ऊपर है तो इसके बॉटम, इसकी तली के अंदर क्या है ई, जो हमें दिखाई नहीं देगा। अगर मान लीजिए आप कहते सर ई रख ले, तो भाई अगर ई यहाँ पे रखेंगे तो डी इसका अपोजिट होगा, यानी जस्ट पीछे मिलेगा, जो हमें नहीं दिखाई देगा। कहने का मतलब सिंपल सा है, दोनों अपोजिट जो नंबर है एक दूसरे के वो एक साथ आपको नहीं दिखाई देने चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन बी क्या है हमारा, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों दोनों टाइप भी आपके क्लियर हो चुकी हैं अच्छे लेवल से। अगर क्लोज पासा हो ओपन करना है तो आपको कैसे करना है, ओपन डाइस इसको क्लोज करना है तो कैसे करना है, उम्मीद करते हैं अब आप इन क्वेश्चन को अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक है। आइए इनसे अगली जो टाइप है उसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए साथियों जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो किस प्रकार से, देखिए साथियों यहाँ पे आपको दो डाइस दी गई है, नंबर एक नंबर दो, और इसके बेस पे साथियों तीन ऑप्शन नहीं है, ये तीन अलग अलग क्वेश्चन है। ये नंबर एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये नंबर दो क्वेश्चन है, ये नंबर तीन है, ठीक है। इनमें करना क्या है साथियों, इन तीनों प्रश्न में कहीं ना कहीं आपको खाली स्थान दिया गया है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में टॉप में, सेकंड में राइट साइड दाएं साइड में, नेक्स्ट में बिल्कुल फ्रंट सामने, तो आपको करना क्या है, इन दोनों डाइस को देखने के बाद आपको इनमें नंबर फिल करने,
मतलब कौन सा अंक यहाँ पे आ सकता है? तो ये टाइप कौन सी रहेगी साथियों? हमारी टाइप रहेगी पास से घुमाने वाले, ठीक है। कौन सी टाइप हमारी पास से घुमाने वाले यानी रोटेट करने वाले क्वेश्चन रहेंगे, जिन्हें हम घुमा के चेक करना हमें पड़ेगा इसमें, ठीक है। पास से को हमें रोटेट करना होगा। तो पहले तो क्या करना, सबसे पहला काम तो सिंपल है, हमने बता रखा है आप इनमें अपोजिट निकालें, वो तो कोई दिक्कत नहीं करेगी आपकी। तो देखो अपोजिट हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, कितनी वैल्यू कॉमन हमारे पास, एक, दो नंबर इसमें है, दो नंबर इसमें है, तो एक डिजिट कॉमन है। तो हम क्या करेंगे साथियों, क्लॉकवाइज अभी हमने डिस्कस किया है तो कीजिए। सबसे पहला हमारे यहाँ पे दो नंबर है, तो यहाँ पे दो नंबर आप नोट डाउन कीजिए और इसको जस्ट यहाँ पे क्लॉकवाइज इस प्रकार से रोटेट कीजिए, दो के बाद पांच और पांच के बाद यहाँ पे चार। सेकंड में जो दो नंबर है कॉमन के नीचे लिखिए और सेम इसमें प्रोसेस कीजिए क्लॉकवाइज, दो के बाद यहाँ पे एक और एक के बाद यहाँ पे छह। इतना काम आप सब कर सकते हैं, ठीक है। मतलब चार के अपोजिट छह, पांच के एक और दो के साथियों कॉमन के कौन सा होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा? तो यहाँ पे एक है, दो है, चार है, पांच है, छह, कौन सा मिसिंग है? तीन। इसका मतलब दो के अपोजिट कौन सा हो जाएगा हमारे पास? तीन। तो अपोजिट तो आप इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन साथियों अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो ध्यान से देखना, हमारे पास सामने दो है, दाएं साइड में पांच है, तो टॉप में आपसे पूछा गया है, तो साथ ही उसको हमें रोटेट करना पड़ेगा कम से कम तीन चार बार आपको, ठीक है। लगभग तीन बार तो हो ही जाएगा आपका, तीन बार इसके बाद तीन बार इसको रोटेट करेंगे तो साथियों काफी ज्यादा आपका यहाँ पे टाइम लगने वाला है, ठीक है। लेकिन हमने आपको विद ट्रिक के साथ बता रखा है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है अगर इस प्रकार की वैल्यू मिलेंगी तो, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक बताने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। फिर भी अगर किसी साथी को डाउट लगे तो हमें बता देना साथियों, इसका जो बेसिक है, इसके जो मॉक टेस्ट करवा रहे उसमें क्वेश्चन को हम शामिल करके उसमें आपको समझाने की कोशिश कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पीछे काफी वीडियो में इसका बेसिक जो रूल होता है वो सब कुछ समझा रखा, आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है। जैसे ध्यान से देखिए, दो और पांच कौन से पासे में साथियों? फर्स्ट में। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास सामने पांच हो और यहाँ पे दो हो तो ऊपर क्या होगा साथियों, आप आराम से बता सकते हैं, पांच अपने स्थान पे है, दो अपने स्थान पे, तो साथियों तीसरा नंबर जो भी है वो आपको सेम ही रखना है, ठीक है। लेकिन इतना आसान तो मिलेगा नहीं, एग्जाम ने तो क्या किया साथियों, यहाँ पे दो को नोट डाउन किया, यहाँ पे पांच, मतलब इन दोनों नंबर को यहाँ पे इंटरचेंज किया है, दो के स्थान पे पांच आ गया साथियों, पांच के स्थान पे दो। तो टॉप में आपसे नंबर पूछा है तो टॉप में तो साथियों कोई सा भी नंबर आ सकता है, लेकिन हमें इतना दिमाग लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। आपको करना क्या है, तीन सतह आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, कितनी सतह? तीन। तो साथियों दो सतह के अंक आपके इंटरचेंज मिलेंगे, मतलब पलटे हुए मिलेंगे। तो आपको सिंपली करना क्या है, जो भी तीसरा नंबर दिखाई दे साथियों, जस्ट आपको क्या करना है, उसका अपोजिट आपको डालना है। जैसे आप कहोगे सर किस प्रकार से, ध्यान से देखें, इसमें पांच को दो लिखा गया है, दो को क्या लिखा गया है? पांच। यहाँ पे देख सकते हैं, तो टॉप में कौन सा नंबर हमारे पास इसने चेंज नहीं किया? चार। बस आप इसका अपोजिट लिख दे, जो भी है अपोजिट हमने निकाल रखा है, चार का अपोजिट क्या है? छह। तो यहाँ पे कितना नंबर आएगा साथियों? 100% छह रहेगा। आप इसको रोटेट कर करके देख भी सकते हैं, घुमा के चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, 100% आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। मैंने फिर भी कह दिया, किसी साथी को डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप बताना। अगली जो वीडियो हम लेके आएंगे, जो मॉक टेस्ट इनके करवा रहे हैं दिल्ली पुलिस से संबंधित, उसमें हम आपको करवा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छह और दो, छह और दो कहां पे साथियों? सेकंड डाइस में। देखिए छह दो के स्थान पे है और दो कहां पे है? छह के स्थान पे। तो सिंपली कुछ नहीं करना आपको, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है? एक। जस्ट इसका अपोजिट डाल दीजिए, एक का अपोजिट क्या है यहाँ पे? पांच। मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 100% हमारा? पांच, ठीक है। लेकिन साथियों ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, जैसे क्वेश्चन नंबर तीन में देखिए, दो और एक, दो अपने ही स्थान पे है, एक अपने ही स्थान पे है, तो काफी स्टूडेंट यहाँ पे भी गलती क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे नंबर क्या है? छह। इसका अपोजिट यहाँ पे रख देंगे। मैंने ये नहीं कहा साथियों, मैंने बताया आपको तीन सतह टोटल दिखाई देंगी, तीन में अगर दो सतह आपकी पलटी हुई मिले, इंटरचेंज मिले, तो तीसरा जो नंबर हमें दिखाई देगा उसका अपोजिट हमें डालना है। लेकिन साथियों अगर दो सतह के नंबर आपके एज इट इज है, सेम है, तो तीसरा नंबर भी आपको क्या करना है? एज इट इज ही करना है, सेम ही करना है। दो अपने स्थान पे है, एक अपने स्थान पे, तो साथियों यहाँ पे क्या होगा? छह अपने ही स्थान पे आने वाला है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल हमने ट्रिक बताई है। अगर कोई भी दो नंबर आपके इंटरचेंज है तो तीसरा नंबर आपको पलट के लिखना है, मतलब उसका अपोजिट लिखना है, ठीक है। अगर दो वैल्यू आपकी एज इट इज है तो तीसरी वैल्यू भी आपको क्या करना है साथियों? एज इट इज ही क्वेश्चन के अंदर शामिल करनी है। उम्मीद करते हैं साथियों ये लॉजिक और ट्रिक आपके अच्छे से क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो प्यारे साथियों डाइस से संबंधित हमारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है वो हमने इस टॉपिक में आपसे डिस्कस किए,
ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस टॉपिक को अच्छे से लगाएंगे, तो आपकी कोई भी बुक आपके पास है उसमें आपके 99% क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएंगे। ठीक है, एक आध परसेंट जो क्वेश्चन रहेंगे साथ ही वो हम मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके करवाने की कोशिश करेंगे, मतलब 100% आपका डाटा यहाँ से क्लियर होने वाला है। ठीक है, फिर भी किसी साथी को किसी चीज में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। ठीक है साथियों, तो इसके बाद जो इसका अगला टॉपिक रहेगा डाइस के बाद हमारा क्यूब, उसमें हम फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।